आप किसी अमीर कॉलोनी में चले जाइए या किसी गरीब स्लम एरिया में, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठा हो गए हैं और जल भराव हो रखा है। हर दिन कई बुजुर्ग कई बच्चे वहां गिर रहे हैं, उन्हें चोटें आ रही हैं। एम्बुलेंस तो अंदर आना बहुत दूर की बात है, गाड़ियां तक अंदर नहीं आ रही। आतिशी जी को एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दिन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बड़े बड़े झूठ बोलती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, कैसे दिल्ली लंदन और पेरिस बनेगी? सांसद बनने के बाद आप दिल्ली के कई इलाकों में गई हैं, वहाँ की हालत आप बयां कर रही हैं ट्विटर के जरिए। आज कालका जी विधानसभा पहुंची, जो कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या कहेंगे आप? आज दिल्ली के हाल बहुत ही ज्यादा बदहाल हो चुके हैं। आप किसी अमीर कॉलोनी में चले जाइए या किसी गरीब स्लम एरिया में, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठा हो गए हैं और जल भराव हो रखा है। मैं कालका जी विधानसभा गई, जो कि मुख्यमंत्री साहिबा की अपनी विधानसभा क्षेत्र है। वहां हालात इतने बुरे हैं कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर दिन कई बुजुर्ग कई बच्चे वहां गिर रहे हैं, उन्हें चोटें आ रही हैं। वहां पे इतना बुरा हाल है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंस तो अंदर आना बहुत दूर की बात है, गाड़ियां तक अंदर नहीं आ रही। और मुख्यमंत्री साहिबा बता रहे हैं कि वहां झांक कर तक नहीं देखती। मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में जमीन पे काम कर रही हूं, मैंने आज तक ऐसे हाल नहीं देखे कि मुख्यमंत्री की, जो कि एक बहुत लंबे समय तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र का इतना बुरा हाल हो। तो मैं आतिशी जी को एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दिन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बड़े बड़े झूठ बोलती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, ये करना बंद करें। कम से कम अपने एरिया अपने विधानसभा के लोगों से जाकर मिलें, उनका दर्द समझें, उनकी समस्या में उनको रिलीफ दिलाएं। अगर ये अपने ही विधानसभा क्षेत्र के हालात नहीं सुधार सकते तो ये बाकी दिल्ली को कैसे ठीक करेंगे? कैसे दिल्ली लंदन और पेरिस बनेगी? आप किसी अमीर कॉलोनी में चले जाइए या किसी गरीब स्लम एरिया में, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठा हो गए हैं और जल भराव हो रखा है। हर दिन कई बुजुर्ग कई बच्चे वहां गिर रहे हैं, उन्हें चोटें आ रही हैं। एम्बुलेंस तो अंदर आना बहुत दूर की बात है, गाड़ियां तक अंदर नहीं आ रही। आतिशी जी को एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दिन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बड़े बड़े झूठ बोलती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, कैसे दिल्ली लंदन और पेरिस बनेगी? सांसद बनने के बाद आप दिल्ली के कई इलाकों में गई हैं, वहां की हालत आप बयां कर रही हैं ट्विटर के जरिए। आज कालका जी विधानसभा पहुंची, जो कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या कहेंगे आप? आज दिल्ली के हाल बहुत ही ज्यादा बदहाल हो चुके हैं। आप किसी अमीर कॉलोनी में चले जाइए या किसी गरीब स्लम एरिया में, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठा हो गए हैं और जल भराव हो रखा है। मैं कालका जी विधानसभा गई, जो कि मुख्यमंत्री साहिबा की अपनी विधानसभा क्षेत्र है। वहां हालात इतने बुरे हैं कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर दिन कई बुजुर्ग कई बच्चे वहां गिर रहे हैं, उन्हें चोटें आ रही हैं। वहां पे इतना बुरा हाल है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंस तो अंदर आना बहुत दूर की बात है, गाड़ियां तक अंदर नहीं आ रही। और मुख्यमंत्री साहिबा बता रहे हैं कि वहां झांक कर तक नहीं देखती। मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में जमीन पे काम कर रही हूं, मैंने आज तक ऐसे हाल नहीं देखे कि मुख्यमंत्री की, जो कि एक बहुत लंबे समय तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र का इतना बुरा हाल हो। तो मैं आतिशी जी को एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दिन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बड़े बड़े झूठ बोलती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, ये करना बंद करें। कम से कम अपने एरिया अपने विधानसभा के लोगों से जाकर मिलें, उनका दर्द समझें, उनकी समस्या में उनको रिलीफ दिलाएं। अगर ये अपने ही विधानसभा क्षेत्र के हालात नहीं सुधार सकते तो ये बाकी दिल्ली को कैसे ठीक करेंगे? कैसे दिल्ली लंदन और पेरिस बनेगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।